एमएनएस न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ चुनाव बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है आदिवासी समाज। सिद्धवी ने राम मंदिर पर दिया बड़ा बयान। दलित कार्यकर्ताओं के घर भोजन करने पहुंचे जावड़ेकर। अब खबरें विस्तार से। जगलपुर सर्व आदिवासी समाज संयुक्त मोर्चा ने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी जुराम नाग को देने का फैसला किया है। पॉपुलेशन है, आप उनको दो टिकट। क्यों मैंने बाहर से आते हैं उनको देते भाई? जनरल लोग भी तो ना, उसमें भी तो है ना, यहाँ पर व्यापार करने आए उनको व्यापारी को क्यों दे रहे टिकट? क्या उन्हीं लोगों का कांग्रेस और बीजेपी में और उनके अलावा और मैंने कोई ऐसा दावेदारी नहीं कर सकते क्या? यहाँ पर कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों के पक्ष में 11 विधानसभा, जी हाँ, एक सामान्य बचता है उसमें भी आप दावेदारी कर रहे हो, मतलब क्या? नहीं, ये है हमारा ये सोच है कि यहाँ के लोगों की सोच के बारे हम उनके हिसाब से हमने टिकट यहाँ पर हमने प्रत्याशी तैयार किया है। नहीं, वो है वक्त बताएगा, उसके लिए हम वो नहीं कह सकते। परिस्थिति जैसा बनता है समर्थन बनता है। सिद्धवी ने राम मंदिर पर दिया बड़ा बयान। आरएसएस बीजेपी को बताया मंत्रा केके की जोड़ी। पुरातत्व की जो केके थी वो आज की बीजेपी है। क्या किया था इन्होंने? अरे केके ने तो भगवान राम को सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दिया था। ये मंत्रा केके की जोड़ी आरएसएस बीजेपी की जोड़ी ने 30 वर्ष का वनवास दे रखा है। 1992 से बाद हर चुनाव हो प्रादेशिक या केंद्रीय, उसके कुछ महीने पहले भगवान राम को बाहर निकालते हैं आरती के लिए और चुनाव के तुरंत बाद वनवास दे देते हैं। ये वनवास आज 30 वर्ष का हो गया है। अरे इतनी तो शर्म करो भाई, भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं। उनका इस प्रकार से अपमान करना चुनाव के वक्त अपनी सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए, इससे बड़ा घोर पाप क्या हो सकता है? सच्चाई ये है कि ये उनके लिए सिवाय राजनीति के कुछ नहीं। और मैं आपको एक और रोचक प्रसंग बताऊं, ये कानून की बात अचानक हुई अभी, ये छोड़ दीजिए कि भाई चार के कारण आप कानून की बात नहीं की, मुझे पता नहीं। जयपुर प्रदेश में घर घर जाकर भाजपा के नेता प्रचार कर रहे हैं। जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद एक बार फिर दलित वोटों को साधनों के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दलित कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन किया। इसी दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता भरोसे लाल के घर भोजन करने आया हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। सभी बूथों पर जाकर घर घर जाकर संपर्क करने की काम चल रहा है। आज दीपावली की शुभकामना देने के लिए मैं हमारे कार्यकर्ता इस कच्ची बस्ती में जो काम करते हैं भरोसे लाल और उनकी पत्नी सावित्री और इनके परिवार को मिलने आया हूँ। माँ जी का नाम क्या? सेठ देवी माँ जी है। और मोदी सरकार और राजस्थान सरकार कितना पहुंच गया है गरीब तक, इसका ये उदाहरण है। क्योंकि माँ जी को पेंशन मिलता है, सावित्री जी को चूल्हा गैस मिला है उज्ज्वला योजना में, और यहाँ आप आओ, इनकी भाभी है, इनके यहाँ दिखाओ दिखाओ ना आप ऐसा ऊपर, हाँ, ये मोबाइल मिला है उनको। जो तो हर परिवार में ये चीजें पहुंच गई है। मुझे नहीं लगता कि मोदी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस तरह से दोनों सरकारें काम कर रही है, ऐसा कभी 5 साल के दरमियान इतना कभी बीच हुआ। कांग्रेस की तो वो नियत थी ही नहीं। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती थी लेकिन वास्तव में गरीब को हटाती थी। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी बेनिफिट्स लोगों तक पहुँचे हैं, और इसलिए मैं हमारे कार्यकर्ता भरोसे लाल के घर आया हूँ। उनके साथ खाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया,
तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं उनको लेकर आया हूँ। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।